3 जनवरी से टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन हो गया है। पहले हम दोस्तों इस वीडियो में टीम इंडिया की टी20 स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, फिर ओडीआई स्क्वायर के बारे में। तो एक बार फिर हार्दिक पांड्या को टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कैप्टनसी दी गई है। वहीं सूर्यकुमार यादव को पहली बार वाइस कैप्टन बनाया गया है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़, सुमन गिल, सूर्यकुमार यादव, राहुल त्रिपाठी। विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन, ईशान किशन। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। बॉलर्स युजवेंद्र चहल, हर्षदीप सिंह, हर्षल पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, मुकेश कुमार। ओडीआई सीरीज स्क्वाड, दोस्तों एक बार फिर से ओडीआई सीरीज के लिए रोहित शर्मा को चोट से वापसी करते हुए टीम इंडिया के लिए कप्तानी दी गई है। तो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। बैट्समैन रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर। विकेटकीपर बैट्समैन केएल राहुल, ईशान किशन। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। बॉलर्स कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, हर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज। दोस्तों वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत और शिखर धवन को वाइड फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों आप इस टीम इंडिया की स्क्वाड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।